नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में जानते हैं हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल लिखा गया है चेतन भगत के द्वारा। ये आपके अंग्रेजी के उपन्यासकार हैं, ठीक है। ये तीन हालात सुधर जाएंगे तो अर्थव्यवस्था भी उभर जाएगी। कई आर्थिक विश्लेषक अर्थव्यवस्था की कमजोर स्थिति बता रहे हैं, फिर भी हम परवाह क्यों नहीं करते। आपने देखा होगा कई आपकी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जो हमारे अर्थव्यवस्था को कमजोर यानी कि रेटिंग घटा दी उन्होंने, जिसमें आपका मूडीज भी सर्व प्रमुख है। आपने देखा होगा ये मूडीज वही है जो पिछली बार भारत 2017 में भारत की रेटिंग एजेंसी बढ़ाई थी, जब हमारी सरकार इस उपलब्धि को खास तौर पर चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी। तो चलिए इस आर्टिकल को हम देखते हैं। पिछले हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की सोवरेन रेटिंग डेट रेटिंग कम कर दी है। इस एजेंसी ने 2017 में भारत की रेटिंग बढ़ाई थी। याद रखिए जो मूडीज है ये इन्वेस्टर्स सर्विस मूडीज कॉरपोरेशन की ब्रांड क्रेडिट की रेटिंग करने वाली कंपनी है। इसको संक्षेप में हम लोग मूडीज कहा जाता है। मूडीज की निवेशक सेवा वाणिज्यिक और सरकारी संस्थाओं के द्वारा जारी किए गए बॉन्डों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय अनुसंधान प्रदान करती है। इसके जो संस्थापक थे उनका नाम है जॉन मूडी। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जब 2017 में भारत की रेटिंग इसने बढ़ाई तब सरकार ने इस उपलब्धि को खास तौर पर बताया था। इस बार रेटिंग कम होने पर हमारी सरकार खामोश है। मोदी का आकलन एक और सबूत है कि हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है और इसके लिए सिर्फ कोरोना दोषी नहीं। मोदी का बयान है कि हालांकि कोरोना के संदर्भ में आज के कदम उठाए गए हैं लेकिन इसके पीछे महामारी का सह नहीं है, बल्कि महामारी ने भारत की क्रेडिट प्रोफाइल की असुरक्षा को बढ़ा दिया जो कि इस झटके से पहले से ही मौजूद थी। यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत तो पहले से ही चल रही थी लेकिन जितनी कमी रह गई थी वो आपकी कोरोना वायरस ने पूरी कर दी, एक तरह से इसे कह सकते हैं। मूडी के नकारात्मक दृष्टिकोण के पीछे मुख्य कारण थे निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपर्याप्त सुधार, घोषित नीतियों को ढंग से लागू ना करना, वित्तीय क्षेत्र में तनाव और सरकारी खर्च पर नियंत्रण ना कर पाना जिससे घाटा और कर्ज बढ़ा। कोरोना संकट खत्म होने के बाद भी भारत धीमी गति से चलेगा या सरपट दौड़ सकता था अगर हमने कुछ चीजें सही की होती। देश में 2014 से मजबूत बहुमत की सरकार रही है, तब से वे लोग परेशान हैं जो पाकिस्तान की बेइज्जती करने से ज्यादा अर्थव्यवस्था की परवाह करते हैं। यहाँ तीन कारण दिए जा रहे हैं जिनकी वजह से हम कभी अपनी अर्थव्यवस्था नहीं सुधारती। पहला कारण इसमें क्या है, भारतीय नागरिकों की अर्थव्यवस्था की परवाह नहीं। जो हमारे भारतीय नागरिक हैं इन्हें अर्थव्यवस्था की कोई परवाह नहीं है, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था से और देश से कोई मतलब नहीं है। उन्हें केवल हिंदू मुस्लिम से मतलब रहता है, यानी कि जो मसालेदार खबर होती है वो भी हमारे नागरिकों को पसंद रहती है। हमारा देश कहाँ जा रहा है इसके बारे में कोई परवाह नहीं है किसी को। कोई आपका कांग्रेस का भक्त है तो कोई बीजेपी का, कोई अन्य पार्टियों का, और अपनी भक्ति पर पूरा लगा हुआ है, देश की भक्ति पर किसी की नजर नहीं है। पाकिस्तान को सबक सिखाइए और लाखों आपकी जय जयकार करेंगे। अर्थव्यवस्था के बारे में आप बात कीजिए तो लोग जम्हाई लेंगे, चैनल बदल देंगे। नेता वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा जनता देखना पसंद करती है। यह केवल एक व्यक्ति या एक सरकार के बारे में नहीं है, जब लोग परवाह करना शुरू करेंगे तो नेता भी परवाह करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की परवाह क्यों नहीं करते, जो भारतीय हमारे वो अर्थव्यवस्था की परवाह आखिर क्यों नहीं करते। शायद भारतीय बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है, शायद हम किस्मत पर बहुत भरोसा करते हैं। हम सोचते हैं कि पैसा सिर्फ काम करने से ही नहीं आएगा, तभी आएगा जब ईश्वर चाहेगा। इस आर्थिक उदासीनता के दुष्परिणाम आने वाले समय में देखेंगे। आप लोगों ने माजी का वो डायलॉग सुना होगा मूवी का,
कि काम करिए, वरना भगवान, शायद हो सकता है कि वो आपके भरोसे बैठा हो, तो आपको करना तो पड़ेगा। देखिए भगवान बिना काम किए कुछ नहीं देंगे। आप सोचें कि आप ना पढ़ें और परीक्षा पास कर जाएं, ये संभव नहीं है किसी भी कारण। ठीक है, जब भगवान को परीक्षा देनी पड़े, भगवान को मेहनत करनी पड़े, तो आप कौन हैं? देखा है ना आपने रामायण, महाभारत, कृष्ण भगवान को देखा है, श्री राम को देखा है, जब उन्हें कर्म करने पड़े तो आप तो एक नॉर्मल इंसान हो। आपको अभी इस 7500 रुपये महीने पर काम करने के लिए स्नातक मिल जाएंगे। ये है $100 माह है। इतना पैसा अमेरिका में मैकडोनाल्ड में बर्गर पलटने वाले को एक दिन में मिलता है। समझ सकते हैं, आपके यहाँ अभी PhD करवाने वाले भी 5 से 7 हज़ार रुपये में आपके यहाँ जॉब करने लगेंगे। और अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने एक जगह पढ़ा था NCERT में कि हमारे यहाँ गरीबों की परिभाषा अलग है और अमेरिका में गरीबों की परिभाषा अलग है। अमेरिका में गरीब उसे माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जिसकी जो कार नहीं खरीद पा रहा है, और हमारे यहाँ जो खाना नहीं मिल रहा है जिसे, उसे गरीब माना जाता है। तो समझ सकते हैं, जमीन आसमान का फर्क है हम में और अमेरिका में। हम कम वेतन वाले और कम इस्तेमाल हो रहे बाबुओं का देश बन रहे हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं। ऐसे में उम्मीद है कि सस्ते 4G डेटा के साथ वीडियो देखने में व्यस्त हमारे युवा जागेंगे। और युवा यही तो कर रहे हैं, कुछ आपके टिकटॉक पर मुजरा कर रहे हैं, कुछ आपके फेसबुक पर 24 घंटा ऑनलाइन दिखा रहे हैं, तो उनके लिए ये रोजगार मिला हुआ है। समझ सकते हैं। दूसरा कारण क्या है, सरकार कोई भी हो, एंट्री बिजनेस ही होती है। मुझे पूरा यकीन है कि सरकार में बहुत से लोग इसे नकार देंगे, वे अपना पसंदीदा जुमला दोहराएंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सरकार के हिसाब से बिजनेस करने में आसानी का मतलब है कि एक एंटरप्रेन्योर IAS अधिकारी के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेता है। जहां अधिकारी एंटरप्रेन्योर को बिजनेस करने देता है, हालांकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब में जिसके पास सत्ता है वह तुम्हें आसानी से बिजनेस करने दे रहा है या नहीं, बल्कि यह मैं अपनी सत्ता के बावजूद तुम्हें बिजनेस करने से नहीं रोक सकता है। सोच में यह बदलाव हमारे सत्ता चलाने वाले वालों के लिए असंभव है। हमारी अंतर्निहित जाति व्यवस्था वाली मानसिकता में बिजनेस नेताओं और बाबुओं से नीचे आता है। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्विटर के CEO से तकरार करते हैं। ट्विटर CEO जानते हैं कि कुछ भी हो जाए, राष्ट्रपति उनके बिजनेस को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्या भारत में भी ऐसी कल्पना कर सकते हैं? आप सरकार के खिलाफ दो शब्द बोल दीजिए, आपका बिजनेस चौपट कर देंगे वो। समझ सकते हैं, ये हालत है, बदले की भावना। तीसरा कारण है, भारतीय उद्योगपतियों में नवाचार की कमी है। थोड़ा दो दोष बिजनेस मालिकों का भी है, उनमें से ज्यादातर नवाचार इनोवेशन और जोखिम को नकारते हैं और हुनर की कदर नहीं करते हैं। उनकी अपने बच्चों की शीर्ष नौकरी पर पहुंचाने, अन्य अमीरों के साथ पार्टी करने, वो कुछ के लिए शादियों में कोरोना के राहत पैकेज से भी ज्यादा खर्च करने में रुचि होती है। बेशक अपने बच्चों को बिना काम के अमीर बनाओ, लेकिन क्या उन्हें हमेशा CEO की कुर्सी पर बैठना चाहिए? आप कंपनी चलाने के किसी हुनरमंद मंद को क्यों नहीं लाते? क्या आप जानते हैं कि इनोवेटिव कंपनियां एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन की व्यक्तिगत बाजार पूंजी भारत की सूचीबद्ध कंपनियों की कुल बाजार पूंजी के लगभग बराबर है? क्या आपने किसी सच्चे इनोवेटिव अमेरिकी एंटरप्रेन्योर को देखा है? वे कैसे रहते हैं और सोचते हैं? क्या सिर्फ यही मायने रखता है कि आपके जन्मदिन पर कौन आया है और आपकी अगली महंगी कार कौन सी है? विरासत में मिला भौतिक पाथ नहीं, सार्थक जीवन जिए, ये तो हम भी मानते हैं कि दूसरे के बनाए साम्राज्य पर शासन करने से बेहतर है कि अपनाए बनाए हुए घर पर शासन करें। समझ सकते हैं, अपने घर पर शासन करें, उसमें आपको हो सकता है संतुष्टि भी मिले। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था कई दशकों में ऐसी बुरी स्थिति में नहीं रहा। हम इसे नहीं सुधारेंगे तो अगली पीढ़ी बुरी तरह प्रभावित होगी। हम सभी हो लो लोगों, सरकार और बिजनेस मालिकों को हमारी मानसिकता में बड़े बदलाव लाने होंगे, तभी भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी।
कई एजेंसियों ने तो नकारात्मक हमारी जीडीपी को बता दिया है, अर्थव्यवस्था की विकास दर को। समझ सकते हैं ये हालत है। एक बात आप लोग हमेशा याद रखा करिएगा, आप लोगों को बैलेंस बनाकर लिखना है आंसर राइटिंग, तभी भी कोई क्वेश्चन पेपर आता है। तो हमें सरकार की बुराई नहीं करनी, लेकिन जो हकीकत है उसे भी आप लोग नकार नहीं सकते। तो जीवन में कुछ भी हकीकत चलता रहे, वहां आपको पेपर पास करना है, आपको बनना है कुछ। इसलिए वहां बैलेंस बनाकर रखिए और जिंदगी में हकीकत से कभी मुंह मत मोड़िए, ठीक है? तो आप समझ गए हैं? तो अपनी अर्थव्यवस्था की मुख्य घटने की ओर या बर्बाद होने की वजह आप लोग जानते हैं।